ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पहले ब्रेक में जितने कॉलर थे सबने मोदी का समर्थन किया है, आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। और जब देश का भविष्य अच्छा बनाना हो, हिंदुस्तान के प्रति हमारे जो भी सपने हैं उसके पूरा करना हो, तो हमको अच्छा नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। केवल देश के लिए चिंता करके नहीं चलेगा, हमें योजना बनानी चाहिए, अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, खराब लोगों को दूर करना चाहिए। ऐसे में राजनीतिक दलों की सोच को तोड़कर हिंदुस्तान की एक सोच बनाना चाहिए। यह सोच बनाने के लिए बिंदास बोल में हम आपको कह रहे हैं कि आप ये सारी चीजों के बंधनों को तोड़कर देश के लिए बात करिए, बेखौफ होकर अपनी बात को रखिए। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्या है आपकी राय? कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार, मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुदर्शन के माध्यम से मैं सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भारतीय राजनीति का रियल दबंग थ्री बनने पर बधाई देना चाहता हूँ। आज देश चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद के द्वारा लगातार चौतरफा प्रस्तुत की जाने वाली चुनौतियों से घिरा है। आज की कांग्रेस सरकार की तो बात ही छोड़िए, अन्य किसी दल में भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जो देश की इन चुनौतियों से बचाने की क्षमता रखता हो। जब तक हमारे नेता कोई भी फैसला लेने से पहले चुनावी लाभ हानि देखते रहेंगे, अपने स्वार्थ के आगे देश के लाभ को नजरअंदाज करते रहेंगे, वह देश का भला कर भी नहीं सकते। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे दबंग और हिम्मती नेता नजर आते हैं जो बहाव के साथ चलने की बजाय बहाव के विपरीत चलने का हौसला रखते हैं, बशर्ते उससे समाज और देश का भला होता हो। धन्यवाद। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ही राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। ये ताकतें उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगी। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे आठवीं कक्षा की स्कॉलर ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मोदी मुख्यमंत्री बनना जब पसंद नहीं है तो प्रधानमंत्री बनना कैसे पसंद होगा। आपको तय करना है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों की इच्छा को पूरा करना है, या कभी हमारे इस क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए जब बलिदान दिया था, कई महापुरुषों ने अपने जीवन को जब इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया था, तो जो सपने का भारत दिखा था उसको पूरा करने वाला नेतृत्व चाहिए, ये आपको तय करना है। और इसलिए नरेंद्र मोदी आज के वर्तमान स्थिति में एक ही नाम दिखता है, इसलिए हम उसका क्या हो इस विषय पर आपको सवाल पूछ रहे हैं। अगले कॉलर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं महाराष्ट्र में गोंदिया से बोल रहा हूँ। हाँ, शैल बिहारी अग्रवाल मेरा नाम है। जिस प्रकार सोना आग में तपता है, हाँ, प्रकार सोना आग में तप कर कुंदन की तरह जलता है, उसी प्रकार श्री नरेंद्र मोदी विषम परिस्थितियों में हैट्रिक मार करके, उन्होंने जिस प्रकार हैट्रिक मार करके हमारे सही मायने में सरदार बन गए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी भी सरदार की उपाधि के लायक है। और बाकी देश के नेताओं को, बाकी देश के मुख्यमंत्रियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश सेवा करनी चाहिए, और राजनीति में निडरता निर्भीकता का जो परिचय दिया नरेंद्र भाई ने, वैसा सभी देश के नेताओं को देना चाहिए। और नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ताकि जो अड़ोसी पड़ोसी हमारे भारत देश को आंखें दिखते हैं वो आंखें नहीं दिखा पावे। वाह, धन्यवाद। थोड़ी देर पहले हमारे कॉलर ने कहा दबंग थ्री, या कुछ लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर डिक्टेटरशिप करने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, गुजरात में मैंने ये देखा, या देश में एक पत्रकार के नाते मैं इस चीज को अनुभव करता हूं। आप याद करिए, जब फिल्मों में भ्रष्ट पुलिस वाला पीटता है, जब फिल्मों में भ्रष्ट अधिकारी पीटता, या जब फिल्म में भ्रष्ट नेता पीटता है तो तालियां पड़ती है। जब एक अच्छा नेता गलत लोगों के ऊपर दबंगाई भी करेगा तब लोग खुश होते हैं, और ये मोदी का यश है। वहां पर एक और बात को जरूर यहां पर कहना चाहिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री ने विजय होने के बाद सरकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त नहीं किया है। कम से कम मैं जब से ऐसे कार्यक्रमों को या राजनीति को देख रहा हूं, इलेक्शन को देख रहा हूं, तो चुनकर आने वाले किसी ने ये बात नहीं कही, मोदी ने ये कही है, उनको याद किया है। पहले कहा जाता था कि सरकारी बाबू सवेरे 11 बजे एक घंटा लेट ऑफिस में आते थे,
दोपहर में लंच के बाद ही बीवी को फोन करके बोल देते थे कि रेडी रहना, मैं सरकारी गाड़ी लेकर आऊंगा, अपन शॉपिंग को या घूमने चले जाएंगे। लेकिन मोदी के आने के बाद गुजरात में स्थिति बदल गई। टाइम पर ऑफिस में आना तो शुरू हुआ ही, रात को 8-8, 10-10 बजे तक सरकारी बाबू काम करने लगे। चित्र बदल गया। ये केवल दबाव में नहीं हुआ, हर व्यक्ति अपने राज्य के लिए सपना देखता है, लेकिन जब ऊपर गंगोत्री खराब है ऐसा उसको दिखता है तो वो भी अपनी आहुति या अपना समर्पण उस में नहीं डालना चाहता। जब उनको लगा कि नरेंद्र मोदी काम कर रहे, टाइम दे रहे हैं, 3.5-4 घंटे केवल सोते हैं, तो क्यों ना हम हमारे 8 घंटे के ड्यूटी को 10 या 12 घंटा करें, ऐसा हुआ और गुजरात बदल गया। अगले कॉल। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मेरा नाम महिपाल सिंह है, मैं बोल रहा हूँ राजस्थान जोधपुर से। सर बोलिए। सर मैं चाहता हूँ नरेंद्र मोदी पीएम बन जाए। हाँ, ताकि सर हम किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात हो बन जाए, क्योंकि यहाँ पे सर किसान भाइयों को सर लाइट मिलती नहीं है, सिर्फ 5 घंटे मिलती है, वो भी कट कट के आती है सर, करीबन 4 घंटे तक ही सर पूरी लाइट आती है। और जबकि हमारा गांव गुजरात बॉर्डर में है, जालौर डिस्ट्रिक्ट में सर, तो नियर बाय गुजरात बॉर्डर में सर नरेंद्र मोदी की आज्ञा से सर 10 घंटा लाइट मिलती है वहाँ पे सर किसान भाइयों को। इसीलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जल्दी पीएम बन जाए और कुछ हमारे राजस्थान के लिए। धन्यवाद। जो बात इस कॉलर ने बिजली के बारे में कही उस पर मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब हम वोटर राजा जाग जाओ यात्रा गुजरात में लेके गए, हमने जब वापिस इसकी शुरुआत की तो पहले दिन हमने जनरेटर हायर करके लाया, जनरेटर बड़े मुश्किल से मिला। लेकिन जब हम अगले जगह पर गए तो हमारे फ्रेंचाइजी को, रिपोर्टर को हम आगे मैसेज देते थे कि हमको स्थानिक जगह से क्या क्या चाहिए, तो आगे उसके बाद हमारी यात्रा जो भी 15 दिन चली एक भी जगह पर हमने जनरेटर हायर नहीं किया, क्योंकि हर जगह का रिपोर्टर हमको कहता था कि आप चिंता मत करो यहाँ बिजली जाती नहीं। और हमने सारे शो किए, एक भी शो में बिजली गई नहीं, हमको जनरेटर कहीं भी लेना नहीं पड़ा। अगला कॉलर। हाँ, मैं अहमदाबाद से बोला सर, हरीश चौधरी। बोलिए। हेलो। हाँ, मैं अहमदाबाद से हरीश चौधरी बोल रहा हूँ। बोलिए। पहले बात तो मैं ये बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी बहुत ग्रेट है। मैं अहमदाबाद से कहना इतना काम कहना या कोई तकलीफ नहीं है। कभी भी कहना मतलब पानी की नहीं, बिजली की नहीं, और पहली बात तो 12 बजे या 1 बजे 2 बजे कभी भी कहना मतलब कहाँ भी जाओ कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। और इतने बड़े और इतने अच्छे नेता नरेंद्र मोदी द ग्रेट, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट बार मैंने आपको फोन किया इसलिए मैं थोड़ा बहुत और सबको कहना चाहूंगा द ग्रेट नरेंद्र मोदी और आपको चैनल को सबको धन्यवाद। संकोच नहीं करना है, डरना नहीं है, जब देश की बात आती है अपनी बात हिम्मत से रखनी है, बेवकूफ होकर रखनी है। इसलिए हम लगातार आपके सामने बिंदास बोल लेकर आते हैं, क्योंकि इस देश का आदमी बोलना सीखे, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं सुनेंगे तो बात को नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो साथ कैसे आएंगे। जब सुनेंगे, समझेंगे, साथ आएंगे, तब कारवा बदलेगा और तब भारत बदलेगा, तब हिंदुस्तान बदलेगा। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्ते, मैं एंथनी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। हाँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, अभी दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकेगा हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनने का। हाँ। कोई ताकत भी नहीं रोक सकता। वो हिंदुस्तान की बचाने वाला एक ही एक ही आदमी है वाजपेयी जी के बाद। हाँ। वो प्रधानमंत्री बनेगा, बराबर बनेगा, 2014 में उन्हें बराबर प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद। देखिए, इस देश के, वैसे तो हम धर्म जाति का नाम लेकर भारतीय को, किसी हिंदुस्तानी को नहीं पहचानते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए क्योंकि लोगों ने भ्रम फैलाया है कि क्रिश्चियन या गैर हिंदू मोदी का समर्थन नहीं करते। आंकड़ों ने तो दिखा दिया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा जो सारे टीवी चैनलों से आपके सामने आया है, लेकिन जमनी हकीकत बदल गई है। हम एक ढाबे पर गोधरा में खाने के लिए रुके थे, जब एक शहर से बड़ौदा से हम दाहोद जा रहे थे, तब एक मुस्लिम भाई के ढाबे पर रुके थे। जब हमने उनको बताया कि हम ऐसा ऐसा काम करने आए हैं, आपका क्या इनपुट है, ये गोधरा इतना सेंसिटिव था, उन्होंने कहा कि आप मेरे दाढ़ी की तरफ देख के मत कुछ सुनिए, मैं आपको बताता हूँ यही होने वाला है जो 20 तारीख को हुआ है। उन्होंने तब प्रेरित किया था और कहा था कि हम भी तो चाहते हैं कि अच्छी सड़क है, यह सड़क है इसलिए तो दाहोद से लोग इस सड़क पर गुजर रहे हैं और इसीलिए तो मेरा ढाबा चल रहा है। अगर रोड सही बनेंगे तो हिंदू को लिए ही नहीं, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए उपयोगी होंगे। बिजली आएगी तो सबके घरों में आएगी, शुद्ध पानी आएगा तो सबके लिए आएगा, स्कूल बनेगा तो सबके लिए बनेगा,
कहां कौन किस जाति धर्म का रहता है इसके आधार पर विचार करने वाले के लिए सारे धर्मों के लोग एक नहीं हो सकते, जो मोदी ने करके दिखाया है। अगले कॉलर। हेलो सर, मैं रामलाल राय खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज इंडिया में होती हैं वो एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी। और जो टेररिस्ट है हिंदुस्तान में आने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं अगर अंदर कदम रखूंगा तो मेरा हाथ क्या होगा, और कोई भी मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के देखने की कोशिश नहीं करेगा सर। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है। नरेंद्र मोदी के राज्य में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती क्योंकि वहां पर की पुलिस उतनी सजग है, जनता उतनी सजग है, और उसके बाद भी अगर कोई आतंकवादी आता है तो उसको साइलेंट सेल वहां बनाने के लिए कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के लोग अब नहीं बचे हैं, या जो बचे हैं उनके मन में इतना डर है, इतना खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पुलिस हमें कार्रवाई से नहीं छोड़ेगी। वो इतनी ईमानदार है या इस देश इस राज्य का नेतृत्व इतना इस विषय पर गंभीर है कि कार्रवाई होगी और हम जड़ मूल के साथ उखाड़ फेंके जाएंगे, ये डर से वहाँ पर जाते नहीं। पाकिस्तान पड़ोस में है लेकिन पाकिस्तान भी ये गलती नहीं करता। ऐसा ही प्रधानमंत्री अगर देश में होगा तो आसाम की तरफ से होने वाली घुसपैठ, श्रीलंका की तरफ से होने वाली इस देश के साथ की गद्दारी, या नेपाल की तरफ से होने वाली माओवादी कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, मैं सूरत से बोल रहा हूँ सर। हाँ सागर। हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया है तो इनको यहाँ की जनता के जो मतलब काम विकास तो बहुत हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो विकास के चलते मतलब ऐसा कुछ होता है यहाँ पे जो कामगार है उनका शोषण भी हो रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनको। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी को हम इस कार्यक्रम को देखने के लिए कह चुके हैं। अगर वो किसी कारणों से पूरा कार्यक्रम नहीं देख सके तो हम उनके पास इसकी सीडी यूट्यूब लिंक जरूर भेजेंगे और हम आशा करते हैं कि आपकी बात को हम उन तक पहुंचाएंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, कृष्णकांत बात कर रहा हूँ सिकंदराबाद से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा नेता अगर हर हर राज्य में आ जाएगा तो वो देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। जो पहले कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, वो बन जाएगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। नरेंद्र मोदी को पक्का पीएम बनना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। कहना है मेरा, नरेंद्र मोदी एक साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा एक ही व्यक्ति फिलहाल देश में है। सब राज्यों का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता लेकिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिससे सारे राज्यों का चित्र बदलने की आशा हो सकती है। हम कारण आपको दिखाते हैं कि क्यों हम आपको ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, देश की राजनीति में मोदी जैसे व्यक्तित्व की कमी। आज देश की राजनीति खाली खाली सा दिख रहा है। नेता तो हैं लेकिन आदर्शवादी नेता नहीं दिखाई देते। देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाह्य सुरक्षा तक सभी दांव पर लगी है लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व स्थिर पड़ा हुआ है। आज देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसमें राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ये दृढ़ इच्छा शक्ति केवल मोदी में ही दिखती है। मोदी की विकास पुरुष की छवि। नरेंद्र मोदी ने लोगों की सभी गलतफहमियों को दूर करके अपने आप को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया है। लोगों ने नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए लेकिन इन आरोपों से मोदी और मजबूत हुए। मोदी को सांप्रदायिक से लेकर मौत का सौदागर तक कहा लेकिन मोदी ने हमेशा इन आरोपों का जवाब